एक योगी थे जिन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। वो सामान्य भोजन से कुछ समय बाद फलाहार पर चले गए और फिर फल भी छोड़कर सिर्फ पत्तों और जड़ों के आहार पर चले गए और बहुत पवित्र जीवन जीने लगे। एक दिन जब वो अपनी छोटी सी झोपड़ी के लिए छप्पर बनाने के लिए जंगल में घास काट रहे थे, तो अचानक गलती से उन्होंने अपनी ही उंगली काट दी। जब उनकी उंगली कट गई तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी कटी हुई उंगली से खून निकलने की बजाय एक पौधे या फूल का रस निकल रहा है। फिर उन्होंने बहुत संतुष्टि महसूस की कि उनकी तपस्या, उनकी साधना ने उन्हें इतना पवित्र बना दिया है कि उनके अंदर से खून निकलने की बजाय पौधे का रस निकल रहा है। इसने उनके अंदर बहुत गर्व की भावना ला दी। एंड दिस वैनिटी टुक ओवर एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग आई एम द प्योरेस्ट ऑफ द योगीज। और ये घमंड उनके अंदर आ गया और वो सोचने लगे, मैं योगियों में सबसे पवित्र हूं, क्योंकि वो एक सब्जी में बदल गए थे। शिव ने देखा कि ये महान सिद्ध योगी इतने मामूली अहंकार के शिकार हो गए हैं, तो शिव ने एक योगी का रूप धरा और वहां से निकले। उन्होंने योगी के चेहरे पर संतुष्टि की एक बड़ी सी मुस्कान देखकर पूछा, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप किस चीज को लेकर खुद से इतने संतुष्ट हैं? योगी ने कहा, आप नहीं जानते, यह खबर हर जगह फैल चुकी है कि मैं दुनिया का सबसे पवित्र योगी हूं, क्योंकि मेरी उंगली देखिए, मुझसे अब खून नहीं बहता, मेरे अंदर से पौधे या फूल या फल का रस निकलता है। मैं बहुत पवित्र हो गया हूं, क्या आप नहीं जानते? तो शिव बोले, जानवर पत्ते और जड़ खाते हैं जिनसे उनका खून और मांस बनता है, वो सब जलाए जाने पर राख में बदल जाता है। इसलिए पौधे का रस बहाने में गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। जो एक पौधा था वो एक पशु बन जाता है, जो एक इंसान या पशु या पौधा है वो आखिर में राख में बदल जाता है। मुझे देखो, वो बोले और अपनी उंगली काट दी। उनके शरीर से राख निकलने लगी, उनके शरीर के रोम रोम से ये राख निकलने लगी। इससे ये पता चलता है कि शिव एक योगी, एक सच्चा योगी अपना जीवन जीते हुए लगातार मृत्यु को भी जीता है। जो लगातार अपने अस्तित्व की नश्वरता के प्रति जागरूक है, जो हर समय ये जानता है कि उसके शरीर का हाड़ मांस धरती की राख है, सिर्फ वही वास्तव में पवित्र है। यही वजह है कि शिव के शरीर पर हमेशा राख दिखाई जाती है। उन्होंने अपने ऊपर राख नहीं लगाई थी, उनके शरीर के हर रोम से राख बाहर आती थी, जो उनके परम विरागी होने का प्रतीक थी। मूल साधन यह है कि एक खास विराग हो, हर किसी के लिए अनुराग, अपने लिए विराग। अगर ये एक चीज आपके जीवन में उभरती है तो आप हर चीज को बेहतर तरीके से देख पाएंगे। अगर आप हर चीज को बेहतर देख पाएं, अगर आप जिस फर्श पर चल रहे हैं उसे बेहतर देख पाएं, तो क्या आप अधिक संतुलित होंगे? अगर आप अधिक संतुलित हैं, अगर आप वास्तव में संतुलित हैं, तो क्या आप कई और चीजें कर सकते हैं? क्या आप थोड़ा और नाच सकते हैं? बस यही बात है। जब आप हर चीज उत्साह और जोश के साथ करते हैं, तो आपके अंदर अनासक्ति या विराग का फूल खिलेगा,
क्योंकि आप देख पाएंगे कि अनासक्ति सबसे शानदार फूल है।